नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे ACL इंजरी के बारे में, यानी कि एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट के बारे में। यह नी में होता है और आपको पता है, जब भी आपका नी ट्विस्ट होता है या कोई हल्का सा जर्क लगता है या कोई भी इंजरी होने पर सबसे पहले हमारा ACL लिगामेंट के ऊपर असर आता है, यानी कि इसके फाइबर ब्रेक हो जाते हैं और इसमें हमें टीयर देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ACL लिगामेंट क्या होता है, कहां पर होता है और इसकी क्या क्या ग्रेड है और उसके लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ACL लिगामेंट के बारे में, यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपकी एंटीरियर टिबियल स्पाइन से होते हुए पीछे की तरफ से, यानी कि जो लेटर कॉन्डाइल होती है आपकी फीमर की, उससे मीडियल साइड पर अटैच होता है। जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे हैं, मीडियल साइड से आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अटैच है। यह लिगामेंट क्या करता है, यह आपके नी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जैसे आप इमेजिन करिए, ये आपकी टिबिया है और ये आपकी फीमर है। जब आप नी को मूव करते हैं और बहुत ज्यादा आगे मूव करने से ये लिगामेंट उसको रोक लेता है, जिससे कि उसके ऊपर इंजरी नहीं हो पाती है। और अगर आपकी इनवर्ट मूवमेंट हो रही है, यानी कि किसी भी पोजीशन में सडन आपको कोई जर्क लगाए और आपका पैर अंदर की तरफ ट्विस्ट हुआ है, तो उसको भी ये बहुत ज्यादा मुड़ने से रोकता है। तो इसका काम होता है आपके नी को प्रोटेक्ट करना। और इसका एक मुख्य एक और कारण है, जब भी आप जंपिंग करते हैं, यानी कि कोई विग्रस एक्टिविटी करते हैं जैसे कि जंपिंग, तो उसमें आप जब नी आपका हाइपर फ्लेक्शन में आ जाता है और आप सडन जंप करते हैं, तो उसमें आपके नी को प्रोटेक्ट करता है, उसको स्ट्रेच होने से, उसके ऊपर प्रेशर आने से रोकता है। तो ये बात करी हमने ACL लिगामेंट के बारे में और ACL लिगामेंट का क्या काम होता है इसके बारे में। इसकी ग्रेड और उसका इलाज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का अलर्ट आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब बात करते हैं ACL लिगामेंट की ग्रेडिंग के बारे में और उसकी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 1 के बारे में। पहले ये जान लेते हैं कि ACL लिगामेंट की हमारी टीयर की 3 ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रेड 1 के बारे में। ग्रेड 1 में क्या होता है, आपका जो फाइबर होते हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, जॉइंट की स्टेबिलिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं मिलता है, बहुत लाइट पेन पेशेंट को फील होता है, जिसमें आप फिजियोथेरेपी लेकर, हीटिंग करके और कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज करके आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है वॉकिंग में और उसकी डेली लिविंग एक्टिविटी पर कोई इसका असर नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रेड 2 के बारे में। ग्रेड 2 में क्या होता है, आपके जो फाइबर्स होते हैं वो पार्शियली ब्रेक हो जाते हैं और आपकी जॉइंट की जो स्टेबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट का पेन बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट को चलने फिरने में और अपना काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसमें आपको फिजियोथेरेपी लेना तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको इग्नोर करेंगे आपकी कंडीशन और भी ज्यादा वर्स होती जाएगी। तो इसलिए आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेकर, सेशन करके और एक्सरसाइज अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी में लाकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ग्रेड 3 के बारे में। ग्रेड 3 में क्या होता है, हमारे कंप्लीट फाइबर ब्रेक हो जाते हैं, जॉइंट की स्टेबिलिटी बिल्कुल लूज हो जाती है। इसमें आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ग्रेड 3 में हमारे पास सर्जरी का ही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि कंप्लीट फाइबर ब्रेक हो चुके हैं तो उसमें आप एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सर्जरी करके उन फाइबर्स को जोड़ा जाता है, जिससे कि आपका नी फिर से एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोग जान सकें कि ACL लिगामेंट क्या होता है, उसकी क्या क्या ग्रेडिंग होती है और हर ग्रेडिंग के लिए क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।